हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो चैनल टेसी पॉइंट। तो यूपी कैट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग होने को है उसका आज रिजल्ट आने वाला है। जैसा कि यूपी कैट ने अपने जानकारी में बताया था कि 3 नवंबर को जो यूजी की सेकेंड राउंड काउंसलिंग चल रही है उसका रिजल्ट आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट कब तक आ रहा है, उसकी क्या प्रोसेस होगी आगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे और जो अपग्रेडेड स्टूडेंट्स हैं उनका क्या प्रोसीजर है, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका रिजल्ट है वो आज 3 नवंबर को आज आ जाएगा। जैसा कि ये 2 से 3 बजे तक आ सकता है, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि सिक्योरिटी फीस जमा करनी रहेगी। आप वहाँ पर ये रिजल्ट कैसे देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ था, आप लॉगिन करेंगे अपनी आईडी से, तो वहाँ पर आपको नीचे अगर सीट अलॉट हुई है तो वहाँ पर आपको सीट दिख जाएगी। आपको किस यूनिवर्सिटी में मिली है और क्या सब्जेक्ट मिला है आपको वहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी रहेगी, जो कि 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस है। जब आप फीस सबमिट कर देंगे, और इस फीस की जो डेट है वो 3 से 5 नवंबर, जब आप फीस सबमिट कर देंगे तो आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। और यही सीट अलॉटमेंट लेटर और आप के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर यूनिवर्सिटी विजिट करिएगा, जो कि उसकी डेट है 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच। आपको उस विश्वविद्यालय में जाना रहेगा जहाँ पर आपको सीट अलॉट हुई है, और आपको वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने रहेंगे। डॉक्यूमेंट के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप जान सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं और अपग्रेड स्टूडेंट्स, पहले बता दें कि ये होते क्या है। फ्रेश स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने मतलब पहली काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था, लेकिन इस बार यूपी कैडेट ने क्या किया है, उन लोगों को एक मौका दिया है जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, मतलब उन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराई थी, बस सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। अगर उन्हें यहाँ पर सीट अलॉट हो रही है तो उन्हें ये सारी प्रोसेस करनी रहेगी बिल्कुल शुरू से, कि आपको पहले सिक्योरिटी फीस जमा करनी रहेगी, उसके बाद सीट लेटर डाउनलोड करिए, फिर यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आपको वहीं जाना रहेगा जो आपको विश्वविद्यालय मिला है। वहाँ जाने के बाद अपना जो भी एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन फीस वहाँ पर आपको जमा करनी रहेगी, तो सारा कुछ करना रहेगा। तो जो फ्रेश स्टूडेंट्स थे उनका हमने बता दिया। तो जो दूसरे नंबर पे हैं अपग्रेडेड स्टूडेंट्स, ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने जिन्हें पहली काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई थी, पर उन्हें वो सीट उन्होंने अपग्रेडेशन करवाया था, और उन्हें सीट अगर इसमें मिल रही है अपग्रेड होके, सीट अपग्रेड हो गई अगर सीट मिल रही है, तो आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका सीट अलॉटमेंट लेटर जो है, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपको वहाँ पर फीस भी जमा करनी नहीं रहेगी, क्योंकि जैसा कि पिछले वर्षों में हुआ है, जो अपग्रेडेशन कराते हैं जो विद्यार्थी, उनके साथ क्या होता है, अगर आपको सीट अपग्रेड हो गई है, मिल गई है, तो आप वो लेटर डाउनलोड करिए, और जो भी विश्वविद्यालय आपको मिला है आप वहाँ पर जाइए। वहाँ पर बहुत ही कम समय का प्रोसेस होता है, आधे घंटे में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो भी वहाँ ट्रांसफ़र कराना रहता है वो सारी प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो अपग्रेडेशन जिन्होंने कराया है, जिन्हें पहले मिल गया था, तो उनका तो प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को ध्यान से समझें, जिन्हें पहली बार सीट अलॉट हो रही है इसमें, वो ध्यान से अपना सिक्योरिटी फीस जमा करें, और जो जमा करें उसका जो फीस स्लिप होगा उसको भी एक स्लिप अपने पास रखें, उसका एक फ़ोटो कॉपी रखें जो कि वहाँ पर आपको काम आएगी। और जो भी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखें, उनका वीडियो हम आपको बता देंगे क्या क्या ले जाना है, वो उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, क्योंकि अगर वहाँ पर डॉक्यूमेंट में कोई कमी आ रही है तो दिक्कत हो जाएगी, इससे आप समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। इसके साथ ही मैं एक जानकारी और आपके साथ साझा कर दूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि परीक्षा जो है, इसका जो परास्नातक मतलब पीजी वालों का जो सिस्टम चल रहा है अभी काउंसलिंग का, उनका जो प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग की च्वाइस फिलिंग करने की प्रक्रिया 4 नवंबर से 5 नवंबर तक ही है। ये 2 दिन आपको दिए गए हैं, आप आसानी से जो है आराम से अपना च्वाइस फिलिंग करिए सही से, और च्वाइस लॉक करने की डेट है वो 6 नवंबर की है। तो ध्यान रहे कि जो फिलिंग है वो 4 से 5 ही नवंबर, 2 दिन का समय है, और आपको 6 नवंबर को च्वाइस लॉक करनी रहेगी, जिसका समय 5 बजे तक का है। तो मैं तो यही कहूँगा, सजेशन है मेरे चैनल की तरफ से कि आप लोग समय से करें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upcatet.org करके, उस पर डेली विजिट करते रहिएगा कि कोई भी अपडेट आए, जिससे आप उस पर उसको समझ पाएँ और सही से निर्णय ले पाएँ। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।